हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग लीनियर बाइनोमियल में क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। तो आज कुछ मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। बट उसके पहले मतलब क्या होगा बेसिकली क्वेश्चन में, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन होगा। सपोज करो कुछ, मतलब मैं एक लेंथ थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन दूंगा, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा होगा लाइक मान लो कहीं पे साइन एक्स लिखा है और कॉस वाई लिखा है, ठीक है, कहीं पे साइन एक्स और कॉस वाई लिखा है, ठीक है, और डीएक्स के साथ, और कहीं पे उसी एक्सप्रेशन में कॉस एक्स डीएक्स लिखा है और कॉस वाई एक्स जो है ये लिखा है, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में साइन एक्स और कॉस वाई का टर्म है, ठीक है, यदि साइन एक्स है और मुझे dx के साथ, यहां x है ना, यदि मुझे dx के साथ cos x मिल जाए जैसे ये, तो ये क्या है, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसको डेरिवेटिव करेंगे cos x dx, है ना। यदि ऐसा मुझे दिख जाए तो मैं इसको एक नया वेरिएबल से रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये cos y है, इसका डेरिवेटिव माइनस sin y गिवन, तो यदि मुझे किसी एक्सप्रेस क्वेश्चन में ये दिखे y है, मतलब इसका डेरिवेटिव dy के साथ, ठीक है, यदि यहां sin y dx होगा तब नहीं, यदि sin y dy है तो मैं इसको भी एक नया वेरिएबल रख सकता हूं, ठीक है। उससे क्या होगा, यदि क्वेश्चन कुछ लेंथी सा दिखेगा तो वो क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि किसी क्वेश्चन में fx और gy यदि दो फंक्शन अलग अलग दिखे और यदि उसका डेरिवेटिव तुम्हें दिख रहा है तो तुम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है उसको हम नोट में लिख लेते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी वाई, एफ एक्स एंड जी वाई मतलब जैसे साइन एक्स कॉस वाई, तो एक्स जो है साइन एक्स के फॉर्म में, वाई जो है कॉस वाई के फॉर्म में, यदि ऐसा है x and y are present in the form of fx and gy, then search for f dash x, but f dash x किसके साथ होना चाहिए, dx के साथ, then search for f dash x dx and g dash y dy, ठीक है। यदि x और y इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका डेरिवेटिव यदि तुम्हें x का dx के साथ और y का dy के साथ दिख जाए, देन यूज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इफ दिस देन सर्च ऑफ दिस एंड देन यूज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, देन यूज सब्स्टिट्यूशन। नोट कर लो, मैं क्वेश्चन लेता हूं, उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। cosec x dy upon
sec y dx बराबर 3 cos x plus 4 sin y upon 4 cos x plus 5 sin y. ठीक है, इस sec y को हम क्या लिख सकते हैं, cos y, और cos x को sin x. cos y dy ऊपर हो जाएगा और sin x dx नीचे हो जाएगा. 3 cos x plus 4 sin y upon 4 cos x plus 5 sin. ठीक है, अब देखो sin y दिख रहा है तो cos y dy दिख रहा है, cos x दिख रहा है तो sin x dx दिख रहा है, तो यहीं पे मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर लूंगा. क्या cos x की जगह p रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx बराबर dp एक, और दूसरा sin y की जगह q रख दो तो cos y dy बराबर क्या हो जाएगा dp. बहुत जगह तुम्हें cos x को x ही हुआ मिलेगा और sin y को y लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे जो बाद में इक्वेशन बनेगा वो देखने में अच्छा लगने लगता है. ठीक है ना, बट कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो इसको मिटा कर अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. देखो cos y dy इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dp. sin x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dp, तो माइनस इक्वल्स. ठीक है, ये क्या हो गया 3 cos x की जगह p, तो 3p plus 4q upon 4p plus 5q. ठीक है, 3p plus 4q upon 4p plus 5. एक सेकंड, ठीक है ना, सिर्फ साइन का देखे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी पी. अच्छा ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत. ठीक है, मिटा दे इसको, और कॉस एक्स बराबर पी ए और साइन वाई बराबर क्यू. अब देखो मैं इस माइनस साइन को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी पी. ठीक है, बराबर ये माइनस साइन उधर गया तो इसके साथ एडजस्ट कर देना है, तो माइनस 3p माइनस 4q अपॉन 4p प्लस 5 ये हो जाएगा. ठीक है क्या, अब देखो तो ध्यान से देखो, ये तुमको कुछ इसी टाइप का तो दिख रहा है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू यार, मतलब तुमको ध्यान से देखो तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, dy by dx is equals to a1x a1x plus b1y upon a2x plus b2y, ऐसा दिख रहा है. ठीक है, और उसमें भी क्या खास बात दिख रही है कि ये प्लस ये जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे a2 plus b1 मुझे 0 देता है, देखो 4 और minus 4 है ना, तो P और Q से कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे बस दिक्कत ये होता है कि हम हमेशा X और Y में क्रिएट करते हैं, यहाँ पे P और Q देखने लगा तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है. यदि तुम्हें दिक्कत हो रहा है मान लो, तो तुम क्या करो, P के जगह क्या था बेसिकली, हमने इसको क्या रखा था, यहाँ P है ना, मतलब cos X को हमने P रखा है ना, तो तुम P को X रखो. ठीक है, तुमको देखने में यदि तब अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम क्यू की जगह वाई लिख दो और पी की जगह एक्स लिख दो. यदि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो पी की जगह एक्स, तो माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई अपॉन फोर एक्स प्लस फाइव. यदि देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो तुम ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, और उसके बाद इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये केस दिख रहा है ए टू प्लस बी वन बराबर जीरो लीनियर बाय लीनियर है ना. उसके बाद जब फाइनल इंटीग्रेट हो जाएगा तो तुम्हें x की जगह क्या रखना है, cos x, और y की जगह क्या रखना है, sin, ऐसे तुम कर सकते हो. ठीक है, ये सिर्फ मैं ये किया हूं, यदि तुम्हें ये काम देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और यदि कहीं तुम मिसमैच करने से बचो, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, तब तुम ये देख सकते हो. ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, a2 + b1 0 है, तो मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा,
ठीक है क्या? तो मैं इसी में कर रहा हूं, तुम इससे कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहीं पे, सॉल्व मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या होगा? 4p dq प्लस 5q dq माइनस 3p dp, तो इधर ले आओ 3p dp और प्लस 4q dp बराबर लीजिए। अब देखो pdq और qdp, इसको 4 इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ मुझे, तो ये दोनों टर्म को एक साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा? pdq प्लस qdp, ठीक है, प्लस 5qdq, तो 5q² / 2। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, कन्वर्ट दिस p एट x, सॉरी p को हमने साइन y को पहले p माना था, तो p को y मान लो और q को cos x मान लेते हैं, है ना? मैंने किसको क्या माना, जहां पे cos x था ना, p को बेसिकली हमने cos x माना है और q को हमने sin y माना है। जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम को p को x मान लो और y q को y, बस ऐसे रखो, देख लेना, ठीक है? तो ये हो गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3p² / 2 बराबर, ठीक है? ठीक है यहां तक। तो अब ये किसका लिखा हुआ है, तो ये डी ऑफ पी क्यू लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? पी क्यू, तो इसको मिटा देते हैं, ये पी क्यू लिखा हुआ है, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स pq + 5q² / 2 + 3p² / 2 बराबर सी। ये हो गया इंटीग्रेट खत्म। अब मुझे क्या करना है, पी के जगह कॉस एक्स है ना, और क्यू के जगह साइन वाई, तो यह आ जाएगा 4 cos x sin y + 5 sin²y/2। सब्स्टिट्यूशन देखें ना, ये मैं ये यूज किया हूं, वैसे ये यूज किया हूं, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना? तो ये मैं p और q लेके कर दिया। अब जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो cos x को x ही मान के और sin y को y मान के, तब तो तुम्हें कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy बराबर 0। क्या है क्वेश्चन? एक्स माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy बराबर 0, ठीक है? तो देखो यहां पे मुझे वाई स्क्वायर दिखता है और यहां पे मुझे 2y, और इसके साथ वाई स्क्वायर है, मतलब 2y होना चाहिए बट dy के साथ, तो 2y dy के साथ है, तो मैं यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूं, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, वाई स्क्वायर को, अब देखो मैं वाई स्क्वायर को वाई रख रहा हूं, अब देखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 2y dy बराबर मैं dy लिख दूंगा, ठीक है? मतलब अब जो आंसर आएगा बेसिकली, या तो इसको कैपिटल वाई मान लो, है ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन कम हो सकता है, ठीक है? बट मैं ऐसे ही कर रहा हूं, ध्यान से देखो 2y dy बराबर dy लग गया यहां पे, तो x माइनस y स्क्वायर के जगह क्या रख देंगे, y dx प्लस 2y dy के जगह dy, तो x dy बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन आ गया, अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो इक्वेशन आ गया है ना, ये जो इक्वेशन आ गया, अब इसमें ध्यान तुम्हें क्या रखना है, इसको तो सॉल्व कर लो पहली चीज, ठीक है? चलो पहले मैं सॉल्व करता हूं, तो एक्स डी एक्स और वाई डी एक्स है ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, बट यहां माइनस साइन है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जो नोट कर लो पहले, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले x माइनस वाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स डी वाई, ठीक है? इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो इस डी एक्स को इधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको
इसको इधर लेके तो ये इधर चल जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, माइनस साइन को मैं कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है क्या, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुनो, यहां पे जो ये वाई है, ये वाई और ये वाई दोनों सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो वाई है ये बेसिकली वाई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा फिर फाइनल मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और उसमें मैं वाई की जगह क्या रखूंगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो या तो तुम यहाँ पे कैपिटल वाई यूज कर लो या पी क्यू यूज कर लो या जैसे तुम्हें करना है, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, बट इसमें तुम्हें ध्यान रखना है दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ये dy by dx है ना, तो ये तुम्हें होमोजेनियस दिख रहा है तो मैं x कॉमन ले ले रहा हूं, तो क्या होगा y by x minus 1 upon x, x से x कैंसिल हो गया, y by x को t रख दो, ये क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये था बेसिकली ठीक है। y by x को t रखे तो y बराबर tx, तो dy by dx बराबर x टाइम्स dt by dx प्लस टी, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी बराबर टी माइनस वन, टी से टी कैंसिल हो गया तो इसको उधर भेज दो, तो डी टी बराबर माइनस टाइम्स डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दो ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन टी, इसका इंटीग्रेशन माइनस एल एन एक्स प्लस, ठीक है। अब टी की जगह क्या रखेंगे पहले, अब देखो ध्यान से इसको मिटा दो, ये भी मिटा देना ठीक है। तो टी की जगह क्या रखेंगे, वाई बाय एक्स बराबर माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस सी, और वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई हमने वाई स्क्वायर को वाई बताता तो बेसिकली वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर माइनस एल एन mod x plus c, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना, आई होप तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है, नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा है, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर x अपॉन e की पावर y लिख सकते हैं, ये लिख दिया, इसको इधर भेज दो तो क्या होगा, e की पावर y dy और ये हो जाएगा e की पावर x dx। देखो मैंने तुमसे क्या बोला, fx और उसका डेरिवेटिव दिखे, fy उसका डेरिवेटिव, बट y है तो dy के साथ दिखना चाहिए, x है तो dx के साथ दिखना चाहिए, ऐसा है तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे e की पावर x को मैं x रख दे रहा हूं, क्या होगा e की पावर x dx बराबर, या चलो इस बार कैपिटल x रख दे, हर क्वेश्चन को मैं अलग-अलग तरीके से कर रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कुछ तो एटलीस्ट, e की पावर y को कैपिटल y तो क्या हो जाएगा, e की पावर y dy बराबर d ऑफ कैपिटल y, ठीक है। तो x क्या है, e की पावर x, y क्या है, e की पावर y, ठीक है, मिटा दें इसको। तो देखो e की पावर x dx ये क्या हो जाएगा, d ऑफ कैपिटल x और वो हो जाएगा d ऑफ कैपिटल y बराबर, ये क्या है x माइनस वन, ठीक है। ठीक है यहाँ पे नोट कर लो,
ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को t मान लेंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, वन ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, वन माइनस dt बाई डी एक्स यहां पे लगती है और x माइनस वाई की जगह t, ठीक है। x माइनस वाई बराबर t है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस टी, ठीक है। इसको इधर भेज दो, तो dt अपॉन वन माइनस टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है क्या। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ln वन माइनस टी बराबर एक्स प्लस सी, ठीक है क्या। और टी की जगह क्या रखना है मुझे, एल टी की जगह एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और एक्स और वाई की जगह एक्स था ई की पावर एक्स और वाई था ई की पावर वाई, ये हो गया माइनस एल एन वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस सी, हो गया एक्स, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर,
फोर एक्स डी वाई, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर एक्स डी वाई और इधर वाई वाला है ना, फोर वाई डी एक्स, और इसको इधर ले आएंगे तो फोर वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फोर एक्स डी वाई, फाइव वाई डी वाई प्लस एट डी वाई, फिर थ्री एक्स डी एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको मैं माइनस का प्लस ला के इधर लिख दिया, और ये प्लस सेवन डी एक्स, तो माइनस सेवन डी एक्स हो जाएगा बराबर। इंटीग्रेट कर लो, तो इसको एक टर्म मान लो और इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर कॉमन लोगे, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो एक्स वाई का डिफरेंशियल है ये, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फोर एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एट वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस सेवन एक्स बराबर सी, ठीक है, हो गया ये आंसर, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर होगा, नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, वाई क्या है वाई स्क्वायर, तो वो भी ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई फोर बाई टू प्लस एट वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की पावर फोर बाई टू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर बराबर सी, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। आई भूल गया था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं इसको y साइन एक्स और dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर cos x साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस dx को मैं पहले उधर भेज रहा हूँ, तो देखो तुम्हें क्या दिखेगा, y साइन एक्स dy बराबर cos x dx और इनटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं y स्क्वायर को y मान लूँ तो क्या होगा, 2y dy बराबर y, देखो y dy दिख रहा है, और यदि मैं sin x को x मान लूं तो cos x dx दिख रहा है तुमको बराबर। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है कि ये इसका ही मेन रूल है, ठीक है ना, ये इसके साथ है या नहीं, ठीक है, तभी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो sin x की जगह मैंने x रखा है और y स्क्वायर की जगह मैंने y रखा है, ठीक। तो y dy की जगह y बाई टू आ जाएगा, देखो y dy की जगह y बाई टू, y dy तो y बाई टू, सब अच्छा यहाँ तो dy हुआ ना, और y dy की जगह dy बाई टू मतलब वन बाई टू dy। sin x को मैंने क्या रखा है x, ये हो गया x, ठीक है, इज इक्वल्स टू cos x dx की जगह dx और साइन एक्स की जगह एक्स और वाई स्क्वायर की जगह वाई, ठीक है, होगी। तो इसको इधर ले आओ, क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर टू टाइम्स एक्स माइनस वाई अपॉन डी एक्स की जगह, ठीक है। तो होमोजेनस है, क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लो, वन माइनस वाई बाय एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स कैंसिल हो गया, वाई बाय एक्स को टी रख दो, वाई बाय एक्स को टी रखे तो वाई बराबर टी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, एक्स टाइम्स डी टी बाय डी एक्स प्लस टी, इसको यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स डी टी बाय डी एक्स
प्लस टी बराबर टू टाइम्स वन माइनस टी, ठीक है, इसको मिटा देगा। तो इस टी को उधर भेज दो, तो एक्स डी टी वाई डी एक्स बराबर टू माइनस टू टी और माइनस टी, ठीक है, टू माइनस टू टी माइनस टी, एक्स टाइम्स डी टी वाई डी एक्स बराबर टू माइनस थ्री टी, इसको इधर ले आओ, डी टी अपॉन टू माइनस थ्री टी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कर, ठीक है, क्या हो गया खत्म? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस वन बाई थ्री एल एन टू माइनस थ्री टी और उस, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स प्लस सी। अब टी के जगह क्या रखेंगे पहले, तो टी के जगह वाई बाय एक्स, ठीक है क्या, और वाई की जगह वाई स्क्वायर और एक्स की जगह साइन एक्स, तो ये होगा फाइनल एल साइन एक्स प्लस सी, दिस विल बी फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट जो भी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ठीक है यहां तक, तो सफिशियंट है इतना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हमने क्या है? दो मेथड बेसिकली हमने मेन पढ़ा, क्या क्या, एक तो वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनस। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो थैंक यू।